आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताने वाले हैं एक हिंदू योद्धा लाचित बरफुकन के बारे में। आसाम को जो असम कहते हैं, असम को मुगलों से मुक्त कराने वाले हिंदू योद्धा थे लाचित बरफुकन। असम के लोग तीन महान व्यक्तियों का बहुत सम्मान करते हैं। प्रथम श्रीमंत शंकरदेव, जो 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के महान प्रवर्तक थे। दूसरे लाचित बरफुकन, जो असम के सबसे वीर सैनिक माने जाते हैं। और तीसरी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अग्रणी नेता थे। औरंगजेब जब दिल्ली का बादशाह बना तो उसने पश्चिम असम पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया और असीत खान को वहां के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। लेकिन अहोम के राजा चक्रध्वज सिंह को मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं थी। चक्रध्वज सिंह ने मुगलों से लड़ने के लिए सेना का पुनर्गठन करके नौ शक्ति को बढ़ाया और अपने मंत्री मुमाई तामुली बरबुरुआ के पुत्र लाचित को अपना बरफुकन बनाया। बरफुकन मतलब सेनापति होता है। और पूरी तैयारी के साथ मुगलों पर आक्रमण करके अगस्त 1667 में असमी सेना ने गुवाहाटी में पुनः प्रवेश करके मुगलों को मनाह नदी के पार खदेड़ दिया। उधर मराठा वीर शिवाजी महाराज के आगरा दुर्ग से पलायन करने से मुगल बादशाह औरंगजेब परेशान था और इधर असम में हुई मुगलों की हार से वो और तिलमिला गया। उसे संदेह था कि शिवाजी के पलायन में आमेर के राजा छह सिंह के पुत्र राम सिंह ने सहायता की, परंतु वह उसे प्रत्यक्ष रूप से सजा देता तो राजपूत सेना में विद्रोह का भय था। इसलिए उसने राम सिंह को असम जैसे खतरनाक मोर्चे पर भेज दिया। पटना से राम सिंह बंगाल के नवाब और औरंगजेब के मामा शास्ता खान से ढाका जाकर मिला और उसकी भी सैन्य सहायता ली। मुगलों की हार को जीत में बदलने के लिए वो धुबरी के रंगामाटी पर अधिकार करके 1669 में गुवाहाटी के उत्तर पार अठियाटरी पहाड़ तक आ पहुंचा। लाचित और राम सिंह की सेनाएं ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे पर खड़ी थी। ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर इटाकुली दुर्ग पर स्वयं लाचित अपने सरदारों और सैनिकों के साथ डटे थे। ब्रह्मपुत्र में नावों का बेड़ा तैयार खड़ा था। लाचित को पता चला कि ब्रह्मपुत्र के उस पार स्थित अमीन गांव के पास एक दुर्ग की प्राचीर कमजोर है। उसकी मरम्मत का काम उन्होंने अपने मामा को सुपुर्द कर कहा कि मामा, ये काम रात दिन एक करके किसी भी तरह सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। शत्रु का क्या भरोसा कब अचानक हमला कर दे। यह याद रखना कि दुश्मन की सेना आपसे ज्यादा दूर नहीं है। यह अत्यंत आवश्यक और गुरुतर कार्य है, इसलिए आपके जिम्मे किया है। लाचित रात को अचानक काम देखने आए। काम बंद देखकर उनकी आंखों में लहू उतर आया। सोए मामा को जगाकर लाचित ने पूछा, मामा काम कैसे बंद है? शत्रु दहलीज पर खड़ा है और तुम काम छोड़कर चैन की नींद सो रहे हो। और वो मामा कहता, अरे लाचित, तुम जो काम बाकी रह गया उसे अभी आरंभ करा देता हूँ, मैं बहुत थक गया था इसलिए आराम करके चला गया। लगता है मेरे पीछे दूसरे लोग भी सो गए हैं, तुम चिंता मत करो, मैं भी काम शुरू करा देता हूँ। तो लाचित कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश परतंत्र होता है। मौत और दुश्मन कभी पूछ कर नहीं आते हैं। गद्दार, मेरे लिए देश से बढ़कर मामा नहीं है। इतना कहकर तलवार के एक आघात से मामा का सर धड़ से अलग कर दिया। यह दुस्साहस देखकर सभी के सभी अवाक रह गए। सैनिकों के कौतूहल को शांत करते लाचित ने आज्ञा दी, अपना समय और नष्ट किए बिना काम को पूरा करो और जल्द से जल्द इस गद्दार की लाश को मेरे सामने से हटाओ। अब तक काम फिर शुरू हो चुका था और सूर्योदय के पहले दुर्ग के अवैध प्राचीर की मरम्मत पूरी हो गई। वह दुर्ग मुमाई कारागढ़ कहलाने लगा। लाचित ने मुगल सेना से लड़ने के लिए कूटनीति अपना रखी थी।
संकट दिखे तो कछुए की तरह अपनी खोल में सिमट जाओ और अवसर देकर शत्रु पर आक्रमण करके उसे नुकसान पहुंचाओ। राम सिंह और उसकी सेना इस लुक्का छिप्पी के खेल से तंग आने लगी। सन 1969-70 इस 2 सालों तक छिटपुट लड़ाइयां चलती रही। अंत में हताश होकर राम सिंह ने भेंट नीति का सहारा लिया। लाचित के नाम एक पत्र लिखकर उनके सहयोगी सरदार मिरी संधि के फुकन के हाथों में चालाकी से उसे पहुंचाया। पत्र में लिखा था, लाचित बुरफुकन, कल ही तो तुमने हमसे 1,00,000 रुपए लेकर मान्य किया था कि युद्ध नहीं करूंगा। विश्वास है कि मुगल सेना से केवल युद्ध का दिखावा मात्र करते हुए अपने वचन का पालन करोगे। तुम्हारा शुभचिंतक राजा राम सिंह। मीरी ने वह पत्र स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह के पास गढ़गांव भेज दिया। राजा के संदेह को अतन बड़ाउवाई ने समझाकर दूर किया, लेकिन फिर भी राजा ने मुगल सेना से तत्काल मैदानी युद्ध करने का फरमान भेज दिया। लाचित शुरू से ही जानते थे कि खुले मैदान में मुगल सेना को मात देना मुश्किल है, लेकिन गढ़गांव से मिले आदेश पर उन्हें आक्रमण करना पड़ा। लड़ाई में 10,000 सैनिक मारे गए। इससे लाचित शोकमग्न हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी जान बचाने के लिए राम सिंह ने लाचित को फिर एक संदेश भेजा, मैं सब लोगों को मुंह मांगा धन दूंगा, केवल गुवाहाटी मुझे सौंप दो, मैं संधि करके वापस लौट जाऊंगा। इसका लाचित बुरफान ने उत्तर दिया, हमारे स्वर्गदेव उदयगिरी पूर्व के राजा और तुम्हारे बादशाह औरंगजेब अस्त गिरी के राजा, तुम और हम तो सेवक हैं, हम सेवकों के बीच संधि नहीं हो सकती। इस बीच चक्रध्वज की मृत्यु हो गई और उनका भाई उदय सिंह राजा बना। उदय सिंह में चक्रध्वज जैसी योग्यता नहीं थी, वह चापलूसों से घिरा हुआ था, प्रजा का कष्ट बढ़ गए थे, बड़े बड़े सरदारों और मंत्रियों के परिवार उसके द्वारा लांछित हो रहे थे। तो इन समाचार को सुनकर लाचित बड़ी व्यथित हुआ और उनके मन में एक बार गढ़गांव जाने को हुआ, लेकिन उन्हें गुवाहाटी का मोर्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने मन में निर्णय किया कि उनकी निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, राज्य और प्रजा के प्रति है। अगर इस समय गुवाहाटी छोड़कर चला जाऊंगा तो सारे बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे। राम सिंह की समझ में आ गया कि जल युद्ध किए बिना गुवाहाटी को नहीं जीता जा सकता, इसलिए वर्षाकाल समाप्त होते ही उसने आक्रमण करने की ठान ली। इसी बीच गुप्तचर ने राम सिंह को बताया कि इस समय लाचित बरफुकन अकोई फूटा जोर से पीड़ित होकर मूर्छित स्थिति में पड़ा है, उस पर आक्रमण करने का एक अच्छा अवसर है। यह जानकर राम सिंह ने हमला करने का आदेश दे दिया। मुगल नौकाएं बंदूक और तोपों से मार करती हुई सराई घाट की ओर बढ़ने लगी। लचित की बीमारी के बाद सैनिकों में दवानल की तरफ फैल गई। सैनिक हताश होकर अपने नावों में उल्टे भागने लगे। यह स्थिति देखकर ब्रह्मपुत्र के उत्तर पार अश्कलांत पहाड़ी पर डरी हुई असमिया सेना में भी खलबली मच गई। भीषण ज्वर में भी लाचित बरफुकन अपने इटाखुली दुर्ग से मुगलों का आक्रमण देख रहे थे। सारी स्थिति को भांप कर युद्ध में जाने को तैयार हुए। वैद ने लाचित को समझाकर रोकने का प्रयास किया और राजज्योतिषी ने वैद की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैं आपको युद्ध में जाने की सलाह नहीं दूंगा, मेरी गणना के अनुसार इस समय आपका युद्ध में जाना हानिकारक हो सकता है। लाचित ने दृढ़तापूर्वक कहा, इससे बढ़कर क्या हानि हो सकती है कि शत्रु हमारी भूमि को हड़प ले और हम मुंह देखते रह जाएं। यहां बिस्तर पर मरने से तो अच्छा है कि मैं युद्ध करते हुए मरूं, मुझे युद्ध में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिस्तर से उठने की भी लालच बुरफकन की अवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक सैनिक का सहारा लेकर उठते अपने सहयोगियों से कहा कि तुम मेरा पलंग उठाकर नौका में रखो, इस वक्त एक एक पल हमारे लिए भारी है, जरा से भी चूक हुई तो सारी सेना का विनाश निश्चित है। सामने देखो, मुगल सेना की नौकाएं तेज गति से आगे उमानंद द्वीप तक पहुंच रही है। एक ओर ब्रह्मपुत्र में पूर्व की ओर बढ़ती मुगलों की सैकड़ों नौकाएं और दूर भागती असमिया सेना की नावें
और दूसरी ओर जलधारा के साथ बहती हुई एकमात्र नौका पर क्रोध से उन्मत्त अपना खड़ग हाथ में लिए हुए वीर लाचित बर्फुकन बीमार होते हुए भी अकेले दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने सेनापति को देखकर अहोम सुना में तीव्र आवेश पैदा हुआ। नौकाओं के मुंह फेर दिए गए, नाव से नाव भिड़ गई, घमासान युद्ध छिड़ गया। लाचित ने अपने सैनिकों को ललकारा कि वीरो, मुगलों को इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी भविष्य में असम की रुख करने का यह साहस नहीं कर सके। यह अंतिम और निर्णायक युद्ध होना चाहिए, इस अवसर पर चूक गए तो असम की माटी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बर्फुकन की इस वाणी ने असमिया वीरों में नई स्फूर्ति भर दी और दुगने जोश के साथ जी चांद की बाजी लगाकर लड़ने लगे। असमिया नौवाहिनी के गोताखोरों ने ब्रह्मपुत्र की अति प्रवाहमान धारा में गोते लगाकर मुगलों के अनेक नावों में छिद्र करके उन्हें डुबो दिया। इस प्रबल आक्रमण से मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। अपने सिपह सालार रहीम खान को असमिया सेना द्वारा मारा गया देखकर वे हताश हो गए। स्वयं राम सिंह भी इस प्रबल आक्रमण के सामने टिक नहीं पाया। वह समझ गया कि असमिया सेना के साथ जल युद्ध में और जूझना आत्मघात के समान होगा। आखिर उसके सामने सराई घाट छोड़कर पीछे हटने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। लाचित की सेना ने भागती मुगल सेना की नौकाओं और शस्त्र को लूटने की लाचित से अनुमति मांगी, परंतु लाचित ने कहा कि इन भगोड़ों को लूटकर मैं स्वर्गदेव और अपने मंत्रियों की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगाना चाहता। जाओ शत्रु को असम की सेना के बाहर मनाह नदी के पार तक खदेड़ कर आओ। मुगल सेना की भारी पराजय हुई। फिर भी वहां से लौटते हुए राम सिंह ने लाचित बर्फुकन की भूरी भूरी प्रशंसा की। लाचित ने युद्ध तो जीत लिया पर अपनी बीमारी को मात नहीं दे सके। आखिर सन 1672 में उनका देहांत हो गया। भारतीय इतिहास लिखने वालों ने इस वीर को भले ही उपेक्षा की हो पर असम के इतिहास और लोक गीतों में यह चरित्र मराठा वीर शिवाजी की तरह अमर है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।